चिड़िया का जी जाए लड़के खिलौना, चिड़िया को पकड़ करके बच्चे नोच रहे हैं और वो चे चे कर रहा है और लड़कों को आनंद आ रहा है। ईश्वर तो लीला कर रहा है और सब जीव दुखी है, इसलिए लीला समझ में बात नहीं आती। सृष्टि कब से बनाई, किसने बनाई, इसके विषय में जो दुनिया का प्राचीनतम शास्त्र है ऋग्वेद, उसमें अनेक अटकलें हैं और सरल ढंग से हैं। कोई संप्रदाय की दृढ़ता के लिए कि नास्तिक आस्तिक कहने की बात नहीं, लेकिन एक संदर्भ ऐसा है और भी जगह जगह है। ऋषि कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यत अनस्था विवर्त भूम्या असुर सृगात्मा क्वासी को विद्वान समुपगात पृष्ठ में तत् को ददर्श, किसने देखा। और भी जगह जगह प्रथमम जायमानम पहले उत्पन्न होते, अस्तनवंतम यत अनस्था विवर्त, अस्तनवंतम एनी हड्डी वाला, अनस्था हड्डी रही, विभर धारण करना, जो हड्डी रहित है वह हड्डी को हड्डी वाले को धारण करके गतिशील है, उस हड्डी रहित वाले को निर्मित होते पहले किसने देखा। ये शाब्दिक अर्थ है, इसका भावार्थ है कि सूक्ष्म प्रकृति स्थूल जगत को धारण करके गतिशील है। ये पेड़ पहाड़ पृथ्वी भूमंडल चांद सितारे अनेक गोल गोल खंड जो आकाश में घूमते हैं, ये अस्तनवंतम है। अस्तनवंतम यानी ये हड्डी युक्त पार्थिव है, स्थूल है, और अनस्था प्रकृत अनस्था है, वो हड्डी वाली नहीं, बड़ी सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति ने इस स्थूल जगत को लेकर के धारण कर रखा, वह सूक्ष्म प्रकृति, उस सूक्ष्म प्रकृति को किसने उत्पन्न होते देखा। कपिल ने कहा है मूली मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। मूल का मूल नहीं होता है, जड़ और चेतन मूल है, इनका मूल और कोई नहीं, ये कपिल जी ने कहा। भूमि में असुर सृगात्मा को सिद्ध, ऋषि कहते हैं भूमि से अस और असृक बने, इसका अर्थ होता है जमीन से असु प्राण और असृक रक्त बने। असृक कहते रक्त, लेकिन इसका भावार्थ होगा प्रकृति से, जड़ प्रकृति से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बने। अस और असृक, असनाम प्राण, प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, असृक नाम रक्त, रक्त से अर्थ है स्थूल शरीर। तो भूमि में असुर सृगात्मा क्वासित, भूमि से अस और असृक बने, जड़ प्रकृति से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बने, ये तो बात समझ में आती है। आत्मा क्वासित, आत्मा क्या है, आत्मा तो जड़ से नहीं बनेगा। को विद्वान समुपगात प्रश्न में तत्, इस बात को पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है। एक ही मंत्र में इतनी बढ़िया बात कही गई है। अस्थूल जगत को जो सूक्ष्म प्रकृति धारण करके निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते पहले किसने देखा।
जब प्रकृति से प्राणियों की स्थूल सूक्ष्म शरीर बन गए तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा तो जड़ नहीं, वो चेतन है, वो कहाँ से आ गया? इस चीज को समझने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? लोग पेट धंधे में लगे हैं बस। तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? मतलब है ये सब है, नित्य सत्ता है। जड़ चेतन किसी से पैदा हुए तो वो किससे पैदा हुआ, फिर वो किससे पैदा हुआ, फिर कोई स्थिरता न रहेगी। जड़ चेतन दोनों नित्य, अब उनमें गुणधर्म है, उनके गुणधर्मों से उनकी स्थिति नित्य है। जड़ द्रव्यों में स्वतः सिद्ध क्रिया है, हवा की क्रिया स्वतः सिद्ध है, पानी की क्रिया, मिट्टी की क्रिया, आग की क्रिया स्वतः सिद्ध है। सूक्ष्म द्रव्यों में, जड़ द्रव्यों में जो क्रिया होती है वो उसमें अनाद निहित है, सदा से सदा एक गतिशील है। मिट्टी पानी आग हवा कहें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कहें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इत्यादि सौ से अधिक तत्व तो कहे जाते हैं, लेकिन उन चारों उनको चार में समाहार किया जाता है, ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। हम लोग उसको सहज ढंग से कहते मिट्टी पानी आग हवा, चाहे सौ से अधिक तत्वों के नाम गिनाएं, चाहे मिट्टी पानी आग हवा का। ये जड़ द्रव्य नित्य अनादि, इनके गुणधर्म इनमें नित्य अनादि, इनसे जगत प्रपंच अनादि, इसमें कुछ आरंभ नहीं है, सदा से है। पहले बीज है कि वृक्ष? अगर बीज है तो कहाँ से आया बिना वृक्ष के, और वृक्ष है तो बिना बीज के वृक्ष कहाँ से आया? इसलिए बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये सब समय है। मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, स्त्री पुरुष के बिना दूसरे बच्चे नहीं होते। तो जगत जो वर्तमान में है ये सब समय है, इसमें मूड़ मारने की जरूरत नहीं कि कहाँ से हो गए। हमारी एक आवश्यकता है ऐसे ईश्वर की, जो सब जगह हो, सब कुछ जानता हो और कुछ भी कर सकता हो, सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। सर्वत्र व्याप्त हर जगह वो है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अच्छा करता बुरा नहीं, और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। इन तीन गुणों से संपन्न एक शक्ति हमें चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। और इसीलिए सुंदर कल्पना मनीषियों ने पुराकाल से की है, ईश्वर सब जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अच्छा है बुरा नहीं करता, केवल अच्छा करता है। ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति होती दिखती नहीं। वो हर जगह सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, सब होता है। कुछ वर्ष पूर्व नेपाल में राज परिवार को, एक भाई के राज परिवार को सगे संबंधी सहित एक फंक्शन में सब इकट्ठे थे, साफ कर दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया। वहाँ था, सब जानता था, रोक सकता था, हुआ नहीं। अगर कुछ ऐसा प्रतिबंध है कि ईश्वर नहीं रोक सकता है तो ईश्वर स्वतंत्र तो नहीं हुआ, सर्वशक्तिमान तो नहीं हुआ। वो तो एक उदाहरण दिया, आपके भारतवर्ष में सामूहिक हत्याएं होती हैं, आगजनी होती है,
लूटमार होती है, डाका पड़ते हैं, राहजनी होती है, बड़े बड़े गबन होते हैं, कोई बाहर से पता नहीं चलता है, बड़ी सभ्यता से दफ्तर में बैठे बैठे अरबों खरबों रुपए कवारा न्यारा हो जाता है। ईश्वर हर जगह है, सब जानता है, रोक नहीं पाता है। पाप जितना दुनिया में होता है, इसी दुनिया में आप सब हैं, उसको गिनाने की जरूरत नहीं। मत्स्य न्याय, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रहे, गरीब लोग चूसे जाते हैं, जितने कानून बनते हैं गरीब उसमें पिसते हैं। सदैव कमजोर पक्ष पिसता है हर जगह। कैसा विचित्र संसार है, और ईश्वर हर जगह है, कुल जानता है। और ईश्वर इतना बलवान है, चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और चाहे कमल पर सूरज खिला दे, इतना बलवान है। सूरज से ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि वह सूरज पर कमल, कमल पर सूरज न खिलाए, दुनिया से पाप ताप को दूर कर दे, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो हमारी कल्पना बड़ी सुंदर है, ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, त्राता है, दुख दूर करने वाला है, कल्पना बड़ी सुंदर है, लेकिन ये कल्पना घटित नहीं होती, फलित नहीं होती। तो ईश्वर का क्या स्थान है? ये सत्ता जो है, इस सत्ता को हम कैसे समझें? उपासना का क्या स्थल है? कस्मै देवाय हवसा विधेयम, ये भी ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। कस्मै देवाय हवसा विधेयम, किस देवता की हम उपासना करें? ईश्वर का क्या मतलब है? परम सत्ता का क्या मतलब है? ये विवेक से विश्लेषण करने का विषय है। और खुशी की बात है, भारतवर्ष पूरा काल से चिंतन में गहरा रहा। कपिल जी महाराज प्राग इतिहास काल में हुए, बुद्ध के पहले, था नहीं लगता उनका टाइम क्या। कपिल नाम ऋग्वेद में आया है, और शरणाचार्य ने भाष्य कपिल मुनि का अर्थ मान करके किया है, तो इसका मतलब ऋग्वेद वेद काल के हैं वो। अन्य शास्त्रों में भी उनकी गरिमा का वर्णन है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम, सांख्य शास्त्र प्राचीन है, सागर की तरह है, परम पवित्र है, ज्ञान का आगर है। लोकम च ज्ञानम च लोकम यदि हास्त किंचित सांख्यागतम तच्च मान महात्मन, है महात्मन इस दुनिया में जहाँ कहीं कुछ भी ज्ञान है वो सांख्य से आया। ज्ञानम च लोके, इस लोक में जितना ज्ञान है, ज्ञानम च लोके यदि हास्त किंचित यत इह अस्त किंचित, इस संसार में जो कुछ थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान है, सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, अय महात्मन वो सांख्य से आगत, सांख्य से आया। सांख्य दर्शन की इतनी गरिमा है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया। कपिल ऋषि प्रथम पैदा हुए, ऐसी कपिल की महिमा ऋषियों में गीताकार ने श्री कृष्ण मुख से कहलवाया। सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, कपिल वस्तु में ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, जो बस्ती जिला के उत्तर अब नेपाल में इस समय पड़ता है। कपिल वस्तु बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी माना है कि वो कपिल का क्षेत्र है, और कपिल की ही परंपरा के ऋषि के प्रभाव से तथागत बुद्ध ने पहले पहल सीखा था। वह कपिल
ईश्वर स्वीकारता है, ईश्वर अलग नहीं, प्रकृत पुरुष दो है, कणात जैमिन, ये सब तत्व विवेक की बात करते हैं, बुद्ध महावीर तत्व विवेक की बात करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा तत्व चिंतन में बहुत आगे है, भावुक नहीं है, भावुक बन गए, बहुत बन गए हैं, लेकिन चोटी के ऋषियों को देखा जाए बहुत चिंतनशील है। ईश्वर जिस ढंग से हम सोचते हैं उस ढंग से नहीं, ईश्वर का निषेध नहीं है। जैसे हम यहां बैठे और कहें इस कबीर आश्रम के दक्षिण तरफ गंगा बहती है, तो समझने वाला कहेगा उत्तर बहती है, आप गलत कह रहे हैं। तो गंगा का निषेध नहीं, दिशा का निषेध है, ईश्वर की जो परिभाषा दी गई उसका निषेध है, ईश्वर का निषेध नहीं। ये जगत चल रहा है, वर्षा होती है, छह ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, सृष्टि जगर मगर जगमगाती है, इस संसार निरंतर गतिशील है, ये कोई बिना कारण के चलता है, ये सम्य कारण है। ये प्राणी सब जीते खाते हैं, चलते हैं, आपका व्यक्तित्व है, आप जीते खाते हैं, आप में हर्ष है, शोक है, उद्वेग है, कामनाएं हैं, अहंकार है, एक भंवर है, मैं का मैं हूं, ये सब शून्य तो नहीं, अस्तित्ववान है। इन सब में हमें ईश्वर को देखने की जरूरत है, जो सामने है, कल्पना का लट्टू खा करके भटकना नहीं। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए बिना हमारे मेहनत के हमें सब कुछ दे दे, भोग दे दे, मोक्ष दे दे, कल्याण कर दे। इसलिए शिक्षित और धनियों का बड़ा तबका ऐसे गुरु बाबा के पीछे लगता है जो तत्काल तुरंत फुरत सब काम कर दे, भोग भी दे दे, मोक्ष भी दे दे। उनकी कृपा से आपको लड़का भी पैदा हो जाए, अगर लड़का नहीं है तो रोग भी दूर हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिद्ध बाबा हैं, अवतार हैं, अलौकिक हैं, एक ही साथ में भारत में अनेक जगह वो भाषण करते हैं, चमत्कारी बाबा हैं, आकाशगामी हैं। ऐसे गुरुओं की लाइन में सब लग जाते हैं। ईश्वर जादूगर जैसा हमें चाहिए, सब दिखा दे, सस्ते में सब काम कर दे। वस्तुतः हमें सत्ता को तीन भागों में बांटना चाहिए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। एक दिन मैंने थोड़ी चर्चा इस पर की थी। आदि दैविक सत्ता जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, आदि भौतिक सत्ता प्राणियों का समूह है, आध्यात्मिक सत्ता आपका व्यक्तित्व है। ये कोई अनुमान कल्पना नहीं, अटकल पच्चू बात नहीं, ये सब सामने है। वैदिक भाषा के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को देव कहते हैं, सूरज चमकता है देव है, चांद चमकता है देव है, तारे चमकते हैं देव है, पानी देव है, हवा देव है, आग देव है, पृथ्वी देव है, प्राकृतिक शक्तियां देव हैं। इसीलिए दैवी प्रकोप, भौतिक जड़ पदार्थों में कष्ट से कष्ट होता है तो कहते दैवी प्रकोप, अधिक वर्षा हुई कष्ट हुआ, अवर्षण से कष्ट हुआ, भूचाल से कष्ट हुआ, आग लग गई कष्ट हुआ तो कहते दैवी प्रकोप है। यानी प्राकृतिक जड़ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा कष्ट की प्राप्ति,
इसलिए जड़ क्षेत्र ये आदिदैविक क्षेत्र है। आदि कहते आधार को, आदिदैविक का अर्थ हुआ जिसका आधार देव हो वह क्षेत्र, यानी जिसका आधार जड़ प्रकृति शक्ति, यह स्थूल जगत का आधार जड़ प्रकृति शक्ति। और इसी को वेद के ऋषि ने कहा कोददर्श प्रथमम जायमानम, इसको पहले उत्पन्न होते किसने देखा। प्रकृति के हमें विषय में विश्लेषण करना चाहिए, पूर्वी हवा चलती है तो पूरब से कोई देवता ठेलता नहीं, पश्चिमी जब चलने लगती तो देवता पश्चिम जाकर के ठेलने लगता है पंजाब की तरफ से, ऐसी बात नहीं, वो प्राकृतिक क्रिया है। नदियां बहती हैं उसको कोई ठेल नहीं रहा है देवता, समुद्र में तरंगे उठती हैं हा हा, उसमें कोई सचैतन्य देवता कुछ नहीं कर रहा है, वो प्रकृति शक्ति ही देव कहलाता है, स्वयं गतिशील है। गुण और द्रव्य, द्रव्य और क्रिया ये अभिन्न, द्रव्य की शक्ति क्रिया है, क्रिया ही से वस्तु की शक्तिमत्ता का प्रकटीकरण होता है। यदि क्रिया ना हो तो शक्ति का अनुभव नहीं हो। द्रव्य में गति है, क्रिया वो स्वतः सिद्ध है। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, भावनावादी जिनके दिमाग पर देव चढ़ा है, कृपा करने वाला देव, कहते जड़ तो क्रियाहीन है क्योंकि जड़ में कैसे क्रिया होगी, ऊपर से देवता कोई प्रेरणा करता है तब क्रिया होती है। यानी पानी बरसता है तो कोई जानबूझ करके जानने वाला देवता बरसाता है, जानने वाला देव देवता बरसाए तो खेत में बरसाए, सड़क पर नहीं बरसाए, सड़क में कीचड़ हो जाता है, केवल खेत में बरसाएगा। लेकिन वर्षा जहाँ जरूरत नहीं होती है, इसी समय वर्षा की भारत में अनेक क्षेत्रों में जरूरत है, तो पानी बरसने का जो कारण है वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं, स्वभाव है, स्वभाव से बरसता है, प्रकृति से बरसता है, उसकी गुण क्रिया संयुक्त सभी अंग संपादित हो जाएंगे, बरसेगा नहीं होगा नहीं बरसेगा। नाथ सहज इनकी जड़ करणी, गोस्वामी जी ने भी कहलवाया, ऐ नाथ ये पृथ्वी जगदाग्नि वायु इत्यादि की सहज जड़ करणी है, तो भौतिक जड़ पदार्थों में जो गति होती है वो उनकी स्वभाव सिद्ध क्रिया है। पानी बरस रहा है, नुकसान हो रहा है ज्यादा, आप प्रार्थना करो हे वरुण देवता क्षमा करो दूर हो जाओ, कुछ फल नहीं। पानी नहीं बरस रहा, इंद्र को मनाते रहो कुछ नहीं। आग लग गई हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, उसी में घी अच्छत और जो भी डालो स्वाहा स्वाहा करो हे भगवान अब संतुष्ट हो जाओ, और आग बढ़ जाएगी, उसमें पानी और धूल डालने की जरूरत। जड़ प्रकृति को हमें ठीक से समझना चाहिए, हम उसको ठीक से नहीं समझते, भावना लाद करके समझते। देवता कहा तो देवतक मतलब हो गया सचैतन्य, वो कृपा करेगा, आग कौन कृपा करेगी, आग को समझो और आग से उपयोग करो। सूर्य सबसे बड़ा देवता माना गया, एकम सद विप्रा बहुधा बदंत जो ऋग्वेद में आया है, वो एकम सद आदित्य, उसको पढ़िए तो आपको पता लगेगा मैंने वेद क्या कहते मैं सब लिखा है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंत इंद्रम मरुतम वरुणम अग्निम सोमम, इंद्र मरुत वरुण अग्नि इत्यादि ये सब नाम हैं। एक आदित्य सूर्य सर्वोच्च देवता है, तो सूर्य को देवता माना। प्रार्थनाएं भी की गई क्योंकि भावुक हृदय, सूर्य की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ठंडी में सूर्य के ताप का अधिक सेवन, गर्मी में कम सेवन, उसका प्रकाश, घर ऐसा बनाओ जिससे सूरज का प्रकाश किरणें घर में आवें,
हवाएं हवाएं। शाला का वर्णन वेदों में बड़ा सुंदर, अथर्व वेद में कैसे घर बनाना चाहिए, ये सब प्रयोग करो। जड़ प्रकृति के गुणधर्मों को समझो और उनका अच्छा उपयोग करो। आदि दैविक ईश्वर प्रकृति की शक्तियां उनको समझो और समझ करके उनका अच्छा उपयोग करो। मिट्टी का, पानी का, आग का, हवा का, सूरज का, चांद का, समुद्र का, नदी का, हवाओं का, ये सब का आप अपने विवेक से समझ करके अच्छा उपयोग करो, सेवन करो, ये ईश्वर की उपासना होगी। सूरज की किरणों का सेवन ठंडी में ज़्यादा करो, गर्मी में कम करो। इसी प्रयाग में ह्वेनसांग ने लिखा है, जो चीन का महात्मा था बौद्ध मत का, बृहत्तर भारत में घूमा है, आसपास के देशों में भी। मेरी एक डायरी है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी, पूरा मैंने विवरण लिखा है। इतिहास में तो थोड़ा आता है, मेरे हाथ में उनकी डायरी मिल गई, लग गई, तो उनकी डायरी के आधार पर मैंने अपनी डायरी लिख दी, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी। प्रयाग में वो बताते हैं कि संगम में लकड़ी गाड़ देते थे और उसमें दो लकड़ियां बांधे रहते थे, एक लकड़ी पर खड़े हो जाते थे और एक लकड़ी बाएं हाथ से पकड़ लेते थे और सूरज उगने के पूर्व उस पर चढ़ जाते थे और सूरज को एकटक देखते रहते थे। जब वो सूरज ऊपर आता तो ऊपर देखते रहते थे और जब सूरज पश्चिम जाता था तो वैसे सिर घुमा के देखते रहते थे। एक पैर लकड़ी पर रख, एक तो खड़ी लकड़ी और एक ऐसी लकड़ी आड़ी, तो उस पर पैर, एक पैर इस पर और एक पैर लटकाए रहते थे तान करके, और दिन भर खड़े रहते थे, कठिन तप। फिर सूरज डूब जाए तब उतरते थे और ऐसा वो महीनों करते थे और ऐसा बरसों से करने वाले होते थे। इससे मानते थे कि सूरज का एक टक ध्यान हम करते हैं हम मोक्ष धाम में जाएंगे। आत्महत्या करते थे, उन्होंने स्वयं भाव खो करके लिखा है, कुछ बानर आते थे तो वे उपवास करके वहीं मर गए। तो मैंने लिखा कि ह्वेनसांग भी भाव खो गए, अरे बीमार रहा होगा, नहीं कुछ खाता पीता होगा, मर गया होगा, बानर बेचारा क्या जाने। तो ये सब प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके पूजने की प्रवृत्ति, वो प्रभाव आज भी चलाया। तो एकम सद आदित्य सूर्य, वेद में मैंने सब लिखा और विचार हर जगह बताया, ये उपयोग की चीज है, प्रार्थना की नहीं। सूरज की प्रार्थना नहीं करना है, सूरज को समझना है, सूरज का प्रकाश लेना है। अपने घर का ऐसा दरवाजा बनाओ, खिड़की बनाओ, उसमें प्रकाश आए, सूरज की किरणें भी कुछ समय आवें, हवाएं आवें, उनका आदर करो, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, वंदना से कुछ काम नहीं होगा। बाढ़ आ जाए आप वंदना करो बह जाओगे, जल्दी भागो सामान लेकर, नहीं वंदने वंदना में बह जाओगे छुट्टी। विवेक ज्ञान नहीं है, अंध रूढ़ में सब भटकते। आदि दैविक ईश्वर ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों को समझें, अंधविश्वास से ऊपर उठें। पानी कोई सचैतन्य देवता नहीं बरसाता है, भूचाल कोई सचैतन्य देवता नहीं लाता है, ये दिन रात कोई सचैतन्य देवता नहीं घुमा घुमा के करता है, ये प्रकृति के अपने नियमों से निरंतर होता है। और इन बातों का भी वर्णन वेदों में बारंबार आता है, चक्र की तरह संसार चल रहा है। आज दैविक ईश्वर प्रकृति की शक्तियां और विवेक द्वारा उसको समझना चाहिए। विज्ञान आजकल बहुत कुछ समझा रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। बराह मिहिर ने आज से 1500 वर्ष पूर्व इसको बता दिया था, हमारे यहाँ के गणितज्ञ बराह मिहिर आज से 1500 वर्ष पूर्व हुए हैं और उन्होंने ये बता दिया था
कि चांद सूरज पृथ्वी एक रेखा में आने से चंद्र या सूर्य का ग्रहण लगता है, लेकिन पंडितों और पुरोहितों को खाने के लिए व्यवस्था बना दी थी कि एक राक्षस है और ऐसा करता है तब ऐसा हो जाता है, इसलिए दान करना चाहिए जिससे उससे पाप कट जाए। तो काणे जी महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और जिनकी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में छपा है, उन्होंने लिखा है कि बुद्धिवाद परंपरा अंधविश्वास एक साथ नहीं चल सकते। बहुत उदार होकर लिखा है कि ब्राह्मण एक तो बुद्धिवाद की बात करते हैं, फिर परंपरा पंडितों की पेट पूजा के लिए वे दान कराने के लिए उसमें लगा देते पुछल्ला, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। अब ब्राह्मण खाणे स्वयं पंडित थे, स्वयं विचारवान और महाविद्वान थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, बुद्धिवाद परंपरा अंधविश्वास एक साथ नहीं चल सकते। बुद्धिवाद है तो परंपरा पर विचार करना होगा, परंपरा की अच्छी बातें लेनी होगी, गलत को छोड़नी होगी, और अंधविश्वास एकदम छोड़ना होगा। तो आजकल तो विज्ञान में पढ़ करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं, अंधविश्वास से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन दिमाग पर इतना छाया है। एक इंजीनियर ने मुझसे कहा गुजरात में अक्षरधाम जब देखने के लिए बुलाए तो उन्हीं का भक्त एक इंजीनियर नवयुवक था, तो हम लोगों को स्पेशल लेके घुमाने चला, तो एक मूर्त के पास गया, कहा महाराज ये मूर्त दूध पीती है। मैंने कहा इंजीनियर हो क्या, समझ में आता है कि दूध ये मूर्ति पी सकती है, तो हड़बड़ा गया। तो अंधविश्वास दिमाग पर इतना छाया है, कुछ तो स्वार्थ बस धोखा देते हैं समाज को, और कुछ भावुक होते हैं समझ नहीं पाते और भटकते रहते हैं। तो आदि दैवी क्षेत्र प्राकृतिक शक्ति, आदि दैवी ईश्वर प्राकृतिक